आज हम कुछ नया करते हैं। हम बनाने वाले हैं एक न्यू टाइप का एक फोटो फ्रेम, जिसके लिए आपको चाहिए है सिर्फ दो वेस्ट कार्डबोर्ड्स, आपकी कोई भी एक फोटो, सिर्फ एक टिश्यू पेपर, सीजर, पेंसिल, एक्रेलिक पेंट्स, एक कंटेनर विथ वाटर, सम पेंट ब्रशेस, और ये मैंने एक स्पेशल ग्लू बनाया है जिसमें मैंने फेविकॉल और पानी को आधा आधा मिक्स किया, मतलब 1:1 के रेशियो में रखा है। हम सबसे पहले हमारा कार्डबोर्ड लेंगे और उसके इस टाइप के कुछ पीसेस करेंगे। अब हमारे इन पीसेस को हमें रैंडम शेप्स में कट करना है। हमें हमारी फ़ोटो लेना है और उसका एक बॉर्डर ड्रॉ करना है ताकि हम उतना एरिया कवर करने से छोड़ सकें। अब हमने जो पीसेस कट किए थे, हमें उनको कॉर्नर से अपनी उस ग्लू से स्टिक करना है। फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने इसे रैंडम पोजीशन में इनको असेंबल कर लिया है और अब हम इस पर टिश्यू पेपर चिपकाएंगे। चिपकाने के पहले हमें इसे 2-3 बार क्रश करके ओपन करना है, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं कि ये फट जाए। टिश्यू पेपर चिपकाने के लिए हमें बस वही ग्लू का मिक्सचर यहाँ लगाकर उसके ऊपर से टिश्यू लगाना है। फ्रेंड्स, अब मेरा ये कार्डबोर्ड सूख चुका है फॉर 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा। तो अब हम इसकी पेंटिंग शुरू करेंगे। पेंटिंग के लिए आपको 4 कलर्स लगेंगे, एक सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, कोई भी एक कलर का एक डार्क शेड और एक लाइट शेड। अब हम रैंडमली शीट को देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ डिवाइड कर लिया है रैंडमली। तो अब हम इसका डार्क शेड और लाइट शेड इसके दो पार्ट्स में करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने येलो कलर ले लिया है क्योंकि मेरा ब्लू कलर का शेड किसी भी शेड से मैच नहीं कर रहा था। तो अब इसके बाद इसको हमें सूखने देना है कम से कम 15 मिनट तक। अब ये 15 मिनट के बाद पूरा सूख चुका है, तो अब हम इस पर गोल्डन पेंट से एक पतला सा कोट लगाएंगे। ये गोल्डन कोट मेरा हो गया है मेरे दोनों कलर्स पर। अब हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट एक सिल्वर कलर का इस पर कोट देना है। अब ये सूख गया है सिल्वर पेंट करने के बाद, और अब हम इस पर हमारे वही पानी और ग्लू के मिक्सचर को लगाने वाले हैं। गाइस, अब ये मेरा सूख चुका है ग्लू लगाने के बाद। अब हम हमारी फ़ोटो चिपकाने वाले हैं। लुक गाइस, मेरा फ़ोटो फ्रेम रेडी है। अब आप चाहें तो इस पर बॉर्डर या कुछ अलग डेकोरेटिव पीसेस भी लगा सकते हैं, पर दिस इज़ नाउ रेडी। बाय।